रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि चाहे लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के लोग फर्जी और बोगस वोट डलवाकर जीत हासिल करते हैं, इसलिए अगर इनकी बोगस पोलिंग को रोक दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर गढ़ी सांपला किलोई से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार होगी और यहां से भाजपा का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को रणनीति बनानी पड़ेगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनके चुनाव में बोगस पोलिंग रुक जाती तो वे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग 2 लाख वोटों से हराते और भविष्य में ऐसा ही होगा। सांसद ने कहा कि 2024 में हरियाणा और देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। सांसद ने कहा कि बहादुरगढ़ से लेकर असोदा तक तो मेट्रो के विस्तार की मंजूरी मिल चुकी है और अब चुनाव से पहले सांपला तक मेट्रो की मंजूरी मिली जाएगी और इसके बाद रोहतक तक मेट्रो का विस्तार होगा। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। की जो तैयारी है ये पन्ना प्रमुख की तैयारी, ये चुनाव से पहले की तैयारी और इससे भी बड़ी तैयारी मैं सतीश रामदास जी को कहूंगा कि 100% मैं जो आपको बताता हूं आप तैयारी कर लो। आप याद करोगे मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा था अगर आप कभी सांपला कलोई से अगर अगली बार एमएलए ना बन जाओ तो मैं लेकर दे। अब तैयारी करो। तैयारी कैसे करनी है? ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो बना है उसमें जी जान की बाजी लगा करके आज से ये समझना है कि अगले महीने चुनाव है। दूसरी चीज जो बूथों पर जो रहेंगे एजेंट उनको तगड़ा होना है, उनको एजेंटों को तगड़ा। हर एक जो सबसे बड़ी चीज है रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बता रहा हूं, कड़ी सांपला कलोई की, इनको ठिकाने पता है बोगस वोट डलवाने के ठिकाने। कांग्रेस को ठिकाने आते हैं, आपको वो ठिकाने नहीं पता। बोगस वोट रोक दी तो मैं गारंटी से कहता हूं अगले एमएलए कलोई के आप ये बोगस वोट डालते हैं। हमारे को कहता फिरता था कि अभी मेरे साथ जाती हुई पार्लियामेंट के चुनाव में मेरे को पार्लियामेंट में दीपेंद्र हुड्डा मिला। मैंने कहा अरे भाई तू कहता फिरता है तेरे साथ जाती हुई, अरे जाती तो बोगस वोट तो तुमने डलवाए, कलोई में डलवाए, महम में डलवाए, बेरी में डलवाए, वो कसर नहीं छोड़ी। और मैं कहा दीपेंद्र जी अगर चुनाव साफ सुथरा चुनाव होता, अगर बोगस वोट तुम नहीं डलवाते तो कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख वोटों से दीपेंद्र हारता। ये किसका? 36 बरादरी के आशीर्वाद से, किसान मजदूर गरीब दलित बैकवर्ड आप सब के आशीर्वाद से ये काम हो रहा था। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।